सो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आपके पास है मोटो एज 50 फ्यूजन मोबाइल और दोस्तों आप उसमें चाहते हो किसी भी पर्सनल ऐप को हाइड करना होम स्क्रीन से, तो दोस्तों अगर आप मोबाइल की सेटिंग में जाओगे तो कहीं भी आपको ऐसा फीचर्स नहीं मिलेगा जैसे जिससे आप ऐप को हाइड कर पाओ। तो दोस्तों ऐप को हाइड करने के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में जाना। प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च बॉक्स में आपको लिखना है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर, जैसे लिखे सर्च करोगे ये वाला एप्लीकेशन आएगा, इसको आपको डाउनलोड करना यानी कि इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों इसको परमिशन दे देना है, अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद गो टू सेटिंग पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर वाली एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ से आपको इसको परमिशन देना है। परमिशन देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे आपको सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर पे टिक करना है और यहाँ से आपकी सारी सेटिंग हो जाएगी। सारी सेटिंग होने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, ऐप डोर को इस तरह से ऊपर को खिसकाना। खिसकाने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। हिडन ऐप्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने हाइड ऐप पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जिस एप्लीकेशन को आपको हाइड करना है उस एप्लीकेशन पे टिक कर देना है। जिस भी एप्लीकेशन पे टिक कर दोगे वो एप्लीकेशन आपकी हाइड हो जाएगी। यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सक्सेसफुली वो सारी एप्लीकेशन हाइड हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये तो बात एप्लीकेशन को हाइड करने की। अब दोस्तों आपका मन हो एप्लीकेशन को देखने का, चलाने का या फिर से अनहाइड करने का, तो दोस्तों आपको करना क्या है, फिर से ऐप डोर को इस तरह से ऊपर को खिसकाना है। खिसकाने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। हिडन ऐप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सारी हाइड वाली एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे हाइड एप्लीकेशन देख सकते हो, चला सकते हो। अगर फिर से आपको अनहाइड करना है तो उस एप्लीकेशन के सामने अनहाइड पे क्लिक कर दोगे तो दोस्तों वो सारी एप्लीकेशन जो है अनहाइड हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से आप मोटो एज 50 फ्यूजन मोबाइल में किसी भी ऐप को हाइड और अनहाइड कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।